अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 18 और मैश टूल का पार्ट नंबर 3। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक के जितना मैश टूल देखा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना ब्रिलियंट रिजल्ट है जिन जिन्होंने मुझे फेसबुक हमारी कम्युनिटी जो है उस पर सबमिट करवाया एंड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। बहुत खुशी हुई एंड आई एम ग्लैड कि मैं आप लोगों के लिए कुछ काम आ सक रहा हूँ, कुछ सीख रहे हैं आप लोग। एंड मुझे उम्मीद है इसी तरह से आप लोग प्लीज वहां पर सबमिट कराते हैं ना, मुझे और थोड़ा सा ये समझ लें, एक तरह से आप मुझे फ्यूल दे रहे हैं ताकि मैं और आगे बढ़ूँ, क्योंकि अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरा थोड़ा सा दिल टूट जाता है यार। एंड लेकिन नहीं, अभी दिल नहीं टूटा हुआ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। प्लस बहुत ज्यादा हैप्पी एक और बात पर हूँ कि यार वी हैव नाउ 1000 सब्सक्राइबर्स, माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई। एंड खुशी इस बात पर है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया से भी हैं काफ़ी लोग और बांग्लादेश, नेपाल एंड काफ़ी सारी जगहों से लोग हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि यार उर्दू बोलने वाले हर जगह मौजूद हैं और लोग देख रहे हैं। मुझे बहुत 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 थैंक यू आप सबका। नाउ सो लेट्स स्टार्ट हमारा मैश का पार्ट नंबर 3, राइट। सो अभी तक आप लोगों ने मैश में जो काम देखा वो ये देखा कि हम कोई भी सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम उसमें मैश अप्लाई कर देते हैं, राइट, इस तरह से। एंड इवन आपने ये भी देखा कि हम मैश के थ्रू ट्रेसिंग भी किस तरह से करते हैं। आज आप लोगों को थोड़े से डिफरेंट चीज़ें बतानी हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों ने शायद हो सकता है पहले देखी हो, लेकिन थोड़ी सी यूनिक है और उसके बारे में बहुत मज़ेदार सी स्टोरी भी है, वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा, राइट। नाउ अब होता यह है कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है इलस्ट्रेटर में मैश अप्लाई करने का। सो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और मैं इसमें बहुत ही कैलकुलेटेड वे में कुछ पॉइंट्स लगाना चाह रहा हूँ, सो यूजली हाथ से लगाने में कुछ गैप्स में देखें कुछ डिफरेंस आ सकता है, प्लस आपको बहुत सारे क्लिक्स करने पड़ते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर आपको एक बड़ा मज़ेदार सा काम ये देता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से क्रिएट ग्रेडियंट मैश कर दें तो ये आपसे पूछेगा कि कितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए। सो अगर आप प्रीव्यू ऑन करें तो आपको देखें यहाँ पर 4 रोज एंड 4 कॉलम्स बाय डिफॉल्ट यही आ रहा होता है। अगर आप कम करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि जी हमारे पास रोज कम आए और कॉलम्स बढ़ जाएं, तो आप ये कर सकते हैं। मैं सिंपली अपना स्क्रॉल व्हील घुमा रहा हूं और ये इंक्रीज किए जा रहा है, ठीक है। आप इसमें ये भी कर सकते हैं अपीयरेंस में टू सेंटर, ये सेंटर की तरफ ग्रेडियंट खुद लगा के दे देगा। टू एज ये भी हो सकता है, बट मैं इसको अभी रख रहा हूँ फ्लैट। हम इसका फ़ायदा क्या उठा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम लेट्स से मैं इस पूरे को थोड़ा सा डार्क कलर दे देता हूँ। लेट्स ओपन दिस शो ऑप्शंस और लेट्स से मैंने इसको रेड कलर दे दिया एंड मैं इसका अपना कलर मोड चेंज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कलर मोड RGB, ठीक है। एंड यहाँ से भी मैं RGB ले रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बहुत ब्राइट सा रेड आए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ब्राइट सा रेड और इनमें मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स को पकड़ के, लाइक जैसे ये मैंने बल्कि नीचे से पकड़ लेते हैं, मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और अब इसके बाद छोड़ करके ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट साथ में दबा रहा हूँ। सो ये समझ लें ऑल्टरनेट दो दो पॉइंट्स मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ एंड हम इकट्ठे इनका कलर चेंज कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आप लोग समझ रहे हैं कि ये क्या बन रहा है। सो कर्टन्स टाइप की चीज़ अगर आप बनाना चाहें तो यस एक ऑप्शन है हमारे पास। और इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा मिसाल के तौर पे कि मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स चाहिए, सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ एंड सॉरी ये कलर आप पिक कर लें ये वाला एंड यहाँ से मैं अपने कर्टन्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेलना चाह रहा हूँ। और धकेलने के लिए मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि स्केल टूल ले रहा हूँ
अब देखें, अगर स्केल टूल से मैं इन तमाम पॉइंट्स को पतला करूंगा तो ये यूं होने लगेंगे। अगर मैं चाह रहा हूं कि जी ये सिर्फ इस साइड से कम हो, तो मैं अपना ये जो एंकर पॉइंट है या पिवट पॉइंट है, इसको मैं उठा करके यहां रख रहा हूं, एंड सी दिस, ये मैं कर रहा हूं यू। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक हमें इनको भी सेलेक्ट कर लेना चाहिए, एंड लेट्स कीप दिस ओवर हियर। अब ले लो पीछे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की कोई चीज बन रही है, बट हाँ, अलबत्ता आप देख सकते हैं कि आपके पास काफी बेहतरीन सा ऑप्शन है। प्लस कोई और चीज अगर हम देखें, से ये एक ओवल मैंने बनाया है, एंड लेट्स कीप इट ग्रीन, एंड मैं इसमें क्रिएट ग्रेडियंट मैश कर रहा हूँ, बट इस बार मैं रोज बढ़ाऊंगा, कॉलम्स नहीं, लाइक दिस। एंड आई बिलीव आप लोग को समझ में आ गया कि क्या बन रहा है, ठीक है। एंड लेट्स डू दिस कि मैं इनमें ऑल्टरनेट पॉइंट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इनका कलर थोड़ा सा लाइट कर, बहुत थोड़ा सा फर्क, देखें बहुत बड़ा फर्क मत डालिएगा। एंड उप्स, थोड़ा और, ठीक है। सो काइंड ऑफ अ वॉटरमेलन, एंड सी इट्स दैट इजी, इतना मुश्किल नहीं है। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ के दोनों साइडों के ये पॉइंट्स को पकड़ के आप थोड़ा सा और डार्क करना चाहें कर सकते हैं, लाइक सो, दैट्स इट। सो एक बात हमेशा याद रखें कि मैं बहुत छोटे छोटे से इंक्रीमेंट्स कर रहा होता हूँ किसी भी वैल्यू में। एंड या आप लोग भी थोड़ा सा एहतियात करें, बहुत सारे लोग थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं कलर सेलेक्ट करने में। सो मैं यही कहूंगा कि कलर सेलेक्ट, आई मीन कलर्स को अगर जब आप चेंज कर रहे हो तो थोड़ा हल्का हाथ रखें, बहुत थोड़ा सा चेंज भी बहुत बड़ा डिफरेंस आपके सामने लेकर आता है, राइट? ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि आप क्रिएट ग्रेडियंट मैश के थ्रू ऑटोमेटिकली रोज एंड कॉलम्स दे करके आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मैं इसमें इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, एक चीज बहुत स्पेशल सी आप लोगों के लिए, वो ये, खैर अब इतनी स्पेशल नहीं रही, थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन अब आप लोगों में से बहुत सारों के लिए कुछ नया ही होगा। देखें, अगर मैं कोई भी सर्कल पर मैश लगाता हूं तो सेंटर में लगाओ तो सही है, ये एक प्लस साइन बना हुआ रहा है, लेकिन जब मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये एक सीधी लाइन लेकर आ जाता है। एंड व्हाट इफ मुझे ये चाहिए कि ये एक सीधी लाइन के बजाय एक गोल लाइन लगा दे, जैसे हमारे पास ये है पोलर ग्रिड, ये देखें यहाँ पर होती है पोलर ग्रिड। पोलर ग्रिड में अगर गौर से देखें तो कुछ सर्कल्स यूं बने हुए आ रहे हैं और लाइंस कुछ यूं बनी हुई आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरह का मैश हो सके, ऑल्दो ये मैश नहीं है, ये दीज आर जस्ट लाइंस। ये याद रखिएगा, पोलर ग्रिड इज जस्ट अ ग्रिड, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें मैश नहीं है। लेकिन मुझे अगर मैश इस तरह का लगाना हो तो क्या किया जाए? वेल, छोटी सी मेहनत है, छोटी सी मेहनत है, सही है। रिमेम्बर आप लोगों ने एक्सपैंड देखा था, एक्सपैंड क्या करता था, किसी भी चीज को ब्रेक कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेक्स्ट को एक्सपैंड करूं, आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेगा, अगर मैं स्ट्रोक को एक्सपैंड करूं वो फिल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर मैं ग्रेडियंट को एक्सपैंड करता हूं, ठीक है, ये देखें एक सिंपल सा लीनियर ग्रेडियंट है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं यहां से, और इसमें मैं लेट्स से 10 ऑब्जेक्ट्स कह देता हूं, तो ये 10 ऑब्जेक्ट्स आपको अलग अलग सॉलिड कलर्स के बना के दे देगा। सो एक्सपैंड आपके ग्रेडियंट को भी ब्रेक कर देता है। लेकिन एक मजेदार सी बात है, अगर मैं इसको रेडियल रखता हूं, सही है, रेडियल ग्रेडियंट, और मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड करता हूं, और इस बार मैं 10 ऑब्जेक्ट्स के बजाय ऊपर ग्रेडियंट मैश कह देता हूं। याद रखें, या किसी भी ग्रेडियंट को आप जब ब्रेक करते हैं तो आप मैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस, इसको आप मैश में कन्वर्ट कर दें। नाउ जैसे ही आपने ये एक्सपेंड कर दिया, इसके कलर थोड़े से आपको अजीब से लगेंगे, लेकिन डोंट वरी, आप सिंपली जाएं इसको ऑब्जेक्ट में, एंड क्लिपिंग मास्क एंड रिलीज, सही है, ये रिलीज कर दें तो ये आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। दूसरा एक और काम करें, इस पर राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर दें, ये बहुत जरूरी है, राइट? अब अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये मास्क हुआ हुआ था, तो याद है मास्किंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऊपर से अलग से पाथ होती है, वो हमें इसमें से रिमूव करनी बहुत जरूरी है। सो एक बार इसको डीसेलेक्ट कर लें, मतलब बाहर क्लिक कर लें, और इस
सर्कल को थोड़ा सा मूव करें। अब अगर आप सिंपल सी ऐसी सिलेक्शन फेरेंगे, देखें आपको एक सर्कल दिख जाएगा, यू हैव टू डिलीट दिस, इसको आपने लाजमी डिलीट करना है। सो मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, ये डिलीट हो गया। एंड मजे की बात, आपका रेडियल मैश रेडी है भाई। और सिंपली अगर मैं इसमें कोई भी एक कलर फिल कर लेता हूँ, एंड सी अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको सर्कल देगा, और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह के आपको डायगनल लाइंस देना शुरू कर देगा, विच इज वेरी यूजफुल कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरह के शेडिंग्स देना चाहूं, से लाइक दिस, सॉरी बीच वाला एक रह गया था पॉइंट, इसको भी सेलेक्ट कर लें, सी दिस एंड लाइक दिस, बड़ा मेटालिक सा एक फील आ जाता है। और ये यूजुअली हम फोटोशॉप में इस तरह का तो ग्रेडियंट यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर में नहीं था। सो यस, मैश के थ्रू ये पॉसिबल है, ठीक है। इसी चीज को यूज करते हुए एक चीज तो आप लोगों को बना के दिखाऊंगा ही, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले देखी हो यूट्यूब पर ऑलरेडी, आई थिंक 2 या 3 ट्यूटोरियल्स इसी चीज के हैं सीडी बनाने के, और सेम मेथड है, यही मेथड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कॉपी कर रहा हूँ, नहीं भाई मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली उन्होंने कॉपी किया मुझसे। 8 साल पहले मैंने एक ट्यूटोरियल लिखा था और एनवाटो 2+ को अपलोड किया था, ऑफ कोर्स सेल किया था, दे पेड मी एंड इट वाज अ पेड ट्यूटोरियल, और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि मज़ा आ गया। रीज़न के इससे पहले, उस ट्यूटोरियल से पहले किसी के दिमाग में भी नहीं आया था कि रेडियल मैश पॉसिबल है इलस्ट्रेटर में, एंड लकीली दैट वाज मी जिसने, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने इन्वेंट किया, लेकिन मैंने दरियाफ्त जरूर किया था, क्योंकि नोबडी वाज यूजिंग, इससे पहले इसके कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स आते थे इस काम के लिए, एंड पीपल हैड टू पे मनी फॉर दिस थिंग, एंड फ्री का ऑप्शन मैं हमेशा से जुगाड़ में लगा रहता हूँ कि कोई चीज भी अगर प्लगइन के थ्रू हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बगैर प्लगइन के हो जाए, क्यों पैसे स्पेंड करने हैं, ठीक है। सो आइए मैं आपको एक छोटा सा ये रिव्यू भी दे देता हूँ कि जो ट्यूटोरियल था, इफ यू गो टू गूगल और गूगल पे सिंपली सर्च करें रेडियल मैश, ठीक है, और पहला पहला आपके पास जो लिंक आ रहा है, हाउ टू क्रिएट अ रेडियल मैश इन इलस्ट्रेटर एंड मेक अ वेक्टर सीडी, सो इस पे जरा क्लिक करें एंड ये ट्यूटोरियल है, ये आपको सीडी यहाँ पर आपको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा हुआ है, एंड ऊपर जाएं इसकी डेट ऑफ पब्लिशिंग देख लें, 7 अगस्त 2009 और बाय मेरे हाथ का लिखा हुआ है यार। ऑलराइट, सो आइए, अब जाहिर है जब सब बना के डाल रहे हैं, ऑल्दो हमारा यहाँ पर एक रिटर्न वो था, एग्रीमेंट था कि मैं ये ट्यूटोरियल कहीं और पब्लिश नहीं करूंगा, लेकिन अब क्योंकि यार इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, मैं भी कर लेता हूँ, सो मेरे चैनल पे तो बनता है यार, ठीक है। आइए देखते हैं कि किस तरह से बनेगी। सो आप लोगों ने यहां तक तो समझ लिया, एंड मैं इसको एक बार से फिर से मैं आप लोगों के सामने जरा जल्दी जल्दी करूंगा, मैं इस वक्त इसमें इतना बोलने वाला नहीं हूँ, मैं मेरी कोशिश है कि बस इसको जरा जल्दी से खत्म करें। कुछ प्रॉपर कलर्स के बारे में बताना है, बहुत जरूरी है। नंबर वन, एक काम, सबसे पहला काम, जब आप न्यू फाइल ले रहे हैं, ठीक है, और ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जी हमारा ड्रॉप शेडो है उसके अंदर इंचेस आ रहा है, पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा या पिक्सल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो पहले तो एक बात याद रखें, जब आप न्यू फाइल ले रहे हैं उस वक्त यहाँ जरा सा देख लें प्लीज, यहाँ पर आपके पास यूनिट दिया हुआ है कि आपको कौन सा यूनिट रखना है, लेट्स गो फॉर पिक्सल्स। नीचे यहाँ से मैं कलर मोड ले रहा हूँ RGB, ठीक है, एंड क्रिएट, ठीक है। इवन दो कि अगर आप आपने पॉइंट्स या अपना जो यूनिट चेंज नहीं किया, तब भी आप ये कर सकते हो कि कमांड कंट्रोल आर करें एंड सिंपली इस रूलर पे राइट क्लिक करके आप यहां से अपना यूनिट चेंज कर सकते हैं। सो आपका जब ये यूनिट चेंज होगा तो हर जगह पर यही वैल्यूज आ रही होंगी पिक्सल्स वगैरह की, ठीक है। ऑलराइट, सो दूसरी बात, मैंने RGB कलर इसलिए लिए हैं कि कलर मोड RGB में थोड़े से ब्राइट खिले हुए से कलर्स आते हैं, CMYK के में डल कलर्स आते हैं। सो एक और चीज मैं कर रहा हूँ कि अपना जो आर्टबोर्ड है मैं उसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप में ला रहा हूँ, राइट। नाउ जल्दी से मैं अब एक सर्कल बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं फिल कर रहा हूँ ग्रेडियंट, ठीक है। दूसरी बात, मैंने ये यहाँ से इसका स्ट्रोक नन कर दिया, बिकॉज़ हमें स्ट्रोक की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जाएं इसको रेडियल बता दें, ठीक।
दूसरा काम ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड करेंगे और यहां से आपने सेलेक्ट करना है ग्रेडियंट मैश फिल्स, जाहिर चेक लगा होगा एक ही चीज इसके अंदर, ओके करें। नेक्स्ट राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर दें, सही है, और राइट क्लिक करके ही आप रिलीज क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। अब करना क्या है, सिंपली इसको डीसेलेक्ट करें बाहर क्लिक करके और इसको मूव करें, और यहां पे एक सिलेक्शन जरा फेर है तो ये एक सर्कल आ रहा होगा, इसको आपने डिलीट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अब सीडी के लिए ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको छोटा कर रहा हूं। नाउ सीडी के लिए मैं इसमें बहुत लाइट ग्रे कलर फिल करना चाह रहा हूं, सो मैं सिंपली यहां से आकर के बहुत ज्यादा लाइट ग्रे कलर ले लिया, ठीक है, और ये वाकई बहुत ज्यादा लाइट है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डार्क कर दो, ठीक है। नाउ अब आपने पॉइंट्स लगाने, अच्छा अब पॉइंट्स लगाने के बारे में एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि देखिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, अगर आप इसके बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे तो ये लाइन बहुत अच्छी सी आएगी, लेकिन अगर आप कहीं साइड में लगाएंगे तो ये कुछ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी आएगी, सही। सो मेक श्योर कि आप जरा सेंटर से स्टार्ट लें, तो मैंने एक पॉइंट यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ठीक है जी। नेक्स्ट एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, मैं देखें इन पोर्शंस को डिवाइड करता जा रहा हूं, ठीक है, एंड ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर थोड़ा आगे पीछे हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, राइट, मैं अब इन सब के बीच बीच में पॉइंट्स और लगाता जा रहा हूं, बस मेक श्योर कि इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन ना लगे, मैं जो एग्जिस्टिंग लाइन है उसी पे क्लिक करता जा रहा हूं, ठीक है जी। So, यहां तक तो हो गया हमारा काम डन, अब हमें डालने हैं इसमें कलर्स। अच्छा एक और चीज कि देखें ये जो ग्रे कलर है ये ग्रे स्केल है, आप इन सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करके प्लीज इस पे पहले तो आरजीबी असाइन कर दें, ठीक है। अब मैं यहां बीच वाले पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं, मैंने दो पॉइंट्स ये सेलेक्ट किए, शिफ्ट दबा के दो पॉइंट्स ये सेलेक्ट किए ऊपर और नीचे के, ठीक है, एंड इसमें मैं कलर डाल रहा हूं थोड़ा सा पर्पल, यानी ग्रीन, इसको यहां पे मैं ग्रीन की तरफ थोड़ा कम कर रहा हूं और ब्लू की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यही कलर थोड़ा सा चेंज होकर, अब देखिए मैं जो सिलेक्शंस ले रहा हूं, याद रखिएगा मैं 8 पॉइंट्स सेलेक्ट कर रहा हूं, ये और ये, ठीक है, देन इसमें मैं कलर दे रहा हूं थोड़ा सा मजेंटा, एंड इसको मैं ब्राइट की तरफ ले जा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए हमें बहुत ब्राइट से कलर्स लेने हैं, ये मत कीजिएगा कि डल से कलर्स लें आप, ठीक है, एंड इसमें क्या डालें, लेट्स गो फॉर येलो, और अगेन येलो भी बड़ा ब्राइट सा, ठीक है जी। देन ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स को पकड़ के मैं थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूँ। नाउ डार्क करने के लिए जाहिर यहाँ पर आप या तो इन तीनों को एक साथ लेके चलें, एक साथ लेके चलने की छोटी सी टिप दे रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक किया और फिर यहाँ क्लिक करके मैं जब लेके जाऊँगा पीछे तो ये एक साथ सारे मूव हो रहे होंगे। आरजीबी में अगर सारे कलर्स एक साथ चेंज होंगे तो वो हमेशा न्यूट्रल कलर्स पे जाते हैं, बहरहाल ये कलर थ्योरी का टॉपिक है, मैं इसको अभी नहीं छेड़ा हूँ, लेकिन अगर ये आपके लिए मुश्किल हो तो आप सिंपली ये कर सकते हो, मैं अंडू कर रहा हूँ, आप सिंपली ये कर सकते हो कि यहाँ से जाके एच एस बी ले लें और यहाँ से इसकी वैल्यू थोड़ी सी डार्क कर दें, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसमें हल्का सा ब्लू टेंट आ रहा हो, सो थोड़ा सा ब्लू की तरफ ले जाता हूँ मैं उसको, बहुत थोड़ा सा, देखें मैं पहले ही बता चुका हूं कि कलर्स में बहुत हल्का हाथ रखना है आप लोगों ने, ठीक है। सो हमारा यहां तक तो ये बन गया, अब मुझे इसके अंदर कुछ डिटेल्स डालनी है। नाउ डिटेल्स कैसी, कि एक तो ये कि हमारी जो सीडी होती है उसके एज पर थोड़ा सा एक बॉर्डर, बहुत बारीक सी एक शाइनी लाइन होती है, मैं वो बनाना चाह रहा हूँ, एंड यानी वो हिस्सा होता है जिसपे डेटा राइट नहीं हुआ होता है, राइट, सो वो बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने इसी की एक कॉपी लेके रख दी है, इसको यहीं पे साइड पे रहने दें और इस पर हमें काम करना है। एक मैं सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, बल्कि एक काम करें, एक और काम बहुत ज़रूरी,
अपनी इस सीडी को सेलेक्ट करके इसका साइज देखें, यहाँ पर विड्थ एंड हाइट लिखी हुई आ रही है 609 609, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखें 609.873। हमेशा याद रखें, आप जो भी चीज बना रहे हो उसमें ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हटा दिया करें, बिकॉज पिक्सल्स पॉइंट में बहुत अजीब सा रिजल्ट दे रही होती है। सो इवन ये 609 है और इसको यहाँ से आप लिंक कर लें तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अगर ये 609 है, लेट्स गो फॉर 610, सॉरी, इसको मैं सिंपली 610 कर रहा हूं, देखें वो वाली वैल्यू भी इक्वली इसी के साथ बराबर हो जाएगी। तो ये कोई फिक्स साइज नहीं है, आप कोई भी साइज का ले सकते हैं, बस ये माइंड में रखिएगा कि दोनों वैल्यूज विड्थ एंड हाइट एक जैसी होनी चाहिए। अगर यहां पर आपको वैल्यूज नहीं दिख रही है तो ये चीजें आप यहां से भी आके कर सकते हैं, आपके पास एक ट्रांसफॉर्म का पैनल है, इसमें जाएं और यहां से आप आकर के वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ सामने ही रख लें। ये क्यों किया है, क्योंकि अब जो हम काम करने वाले हैं उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब साइज की ना। मैं एक सर्कल बना रहा हूं इसी के ऊपर, ठीक है, और इसका साइज भी मैं वही रखना चाह रहा हूँ 610 by 610। सो यस, ये हमारा चेन हुआ हुआ, चेन से ही होता है कि दोनों कंस्ट्रेंड रहते हैं और दोनों का साइज इकट्ठे चेंज होगा। सो मैं यहाँ पर भी 610 टाइप कर रहा हूँ, तो ये भी 610 हो जाएगा। इसका कलर मैं ले रहा हूँ ग्रे, ठीक है, एंड इसमें मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि हमारी यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी का जो पैनल है, मैं इसको ला रहा हूँ सामने, यहाँ पर इसका मोड, ब्लेंडिंग मोड चेंज कर ले मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई ये करता है कि नीचे के जो कलर्स होते हैं उसके साथ ब्लेंड कर देता है। मैं इस ग्रे को थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ, राइट। अब जो नीचे जो चीज़ है और ऊपर, इन दोनों को ब्लेंड कर देगा, सही। और मल्टीप्लाई यूजली डार्क कलर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, स्क्रीन ऑन द अदर हैंड उल्टा है, लाइट कलर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। सीधे सी वही चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, बहुत स्लाइड्स आपको दिख रहा होगा लेकिन लाइट कलर है। एंड मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डार्क हो, प्लस इन दोनों को आप ग्रुप कर दो, ठीक है। ग्रुप करके मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से, लाइक 90 डिग्री, और इसका साइज मैं बहुत थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। सो मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाया, इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितनी चीज बढ़ रही है। सी, बहुत छोटा सा मैंने साइज इंक्रीमेंट किया। ये उठाकर ला के रखें इसके ऊपर, मैंने देखें, ये हमेशा याद रखें कि ये हमारा ऊपर आना है। सो अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और इन सबको सेलेक्ट करके जरा अलाइन कर दें। नाउ, अब ये सब जो मैंने किया वो क्यों किया, गौर से देखें, इसके एजेस पर यू कैन सी सम कलर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बगैर कलर के खाली ग्रे लाइन आएगी वो मजा नहीं आएगी। और ये कलर्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको रोटेट करके रखा हुआ है यहाँ पे, राइट। नाउ यहां तक तो हो गया। अब हमारे इसके बीच में सीडी में कुछ सर्कल्स वगैरह बने हुए होते हैं, मैं जल्दी से एक सर्कल ये मैंने बनाया एंड जिसका मैं कलर ले रहा हूँ कुछ लाइट ग्रे, ताकि हमें नजर तो आए कि बन क्या रहा है, ठीक है। एंड इसी की एक कॉपी ले ली मैंने, थोड़ा सा बड़ा किया और एक कॉपी छोटी, इन दोनों को साथ रखें, अलाइन करें, ठीक है। एंड पाथफाइंडर सबको याद है, विंडो में जाएं, पाथफाइंडर खोल लें, सिंपली ये माइनस कर दें, ठीक है। अब अगर ये मैं इसके बीच में रखता हूँ, एंड आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, बड़ा मुराद ये जो बीच वाला है, हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, जाहिर ओवरऑल पूरा बड़ा होगा, ठीक है जी। ये दो सर्कल्स हमारे बन गए। एक और रिंग चाहिए मुझे, आउटर रिंग, थोड़ा सा पतला, बल्कि यार एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ, बाद में हम एडजस्ट कर लेते हैं कि किस साइज में यहाँ पर आएगा। मैं एक और रिंग बनाना चाह रहा हूँ थोड़ा और बड़ा। अब देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि दोबारा मुझे ये पाथफाइंडर यूज नहीं करना, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, 1 2 3 और 4, देखिए मैंने सिर्फ अंदर के पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और अब आप ले लें सेलेक्शन टूल, इससे फायदा ये होगा कि इवन ये कंपाउंड पाथ एक तरह से है और हम इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, अगर मैं ये यहाँ रखूँ तो ये इस वक्त इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इन सबको अलाइन कर लो, एंड आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ रख के देख लेते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया ये पार्ट, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है।
एंड इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके फिर से मैं अलाइन कर रहा हूँ। देखिए मैं कोई भी चीज़ को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया, आप चाहें तो इनका कलर थोड़ा और लाइट या डार्क जो भी आपको करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से HSB ले रहा हूँ और लेट्स सी डार्क या लाइट, लाइट ज़्यादा बेहतर है यार, ठीक है जी। नाउ फाइनली इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ यार, मैं चाह रहा हूँ ये वाला गैप इक्वल ही तकरीबन है, तकरीबन। मैं कोई फिक्स वैल्यूज पे काम नहीं कर रहा हूँ उस वक्त, मैं बस अंदाजे से छोटा बड़ा कर रहा हूँ, राइट। नाउ लास्टली इसके अंदर मुझे होल चाहिए। अच्छा एक सवाल मुझे हमारी कम्युनिटी पर ही एक दो लोगों ने पूछा था कि सर जी मैश वाले ऑब्जेक्ट के अंदर होल कैसे होगा। यार मैश वाले ऑब्जेक्ट में होल नहीं हो सकता, पाथफाइंडर नहीं चलता, सही है। सो मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मुझे होल करना है, नामुमकिन है कि आप इस पे होल कर सकें। सीधे इसमें यहाँ पर एक ये सर्कल बना रहा हूँ, कलर में चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, और मैं यहाँ से आके क्लिपिंग मास तो कर सकता हूँ लेकिन पाथफाइंडर काम नहीं करेगा, ना ही यहाँ ऑब्जेक्ट में आपके पास एक ऑप्शन है कंपाउंड पाथ मेक नहीं करेगा, सही है। कंपाउंड पाथ यही करता है, होल कर रहा होता है, ठीक है। सो फॉरगेट इट, नहीं हो सकता होल। देन क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये कर सकते हैं कि हम मास्क कर सकते हैं और मास्क जो होगा हमारा उसमें होल होगा। सो मिसाल के तौर पे मैंने एक सर्कल बनाया और एक और सर्कल बनाया, ठीक है, और सी ये डिफरेंट है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैं थोड़ा और कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि मैं बना क्या रहा हूँ। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके या तो कंपाउंड पाथ कर लो या ये कर लो, दोनों सेम चीज है, और मैंने सेंटर में नहीं रखा है जानबूझ के, सही है। ये आपका मैश ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है फ्लैट, ठीक है। और इन दोनों को मैं अगर सेलेक्ट करके मास्क कर दूं तो क्या होगा, आपके मैश वाले ऑब्जेक्ट में एक तरह से होल हो जाएगा। ये जुगाड़ है छोटी सी यार, होल होता नहीं है मगर हम उस एरिया को छुपा देते हैं तो होल लगता है। और एग्जैक्टली यही चीज हमें करनी है इसके साथ, मुझे यहां बीच में एक होल चाहिए, सही है। अब होल बनाने के लिए मैंने सिंपली ये किया कि मुझे कितना होल चाहिए पहले वो बना लो, से मुझे इतना चाहिए, ठीक है। जस्ट डोंट वरी, मैंने सेंटर में अभी नहीं किया हुआ है, इसको साइड में रखो। एक और सर्कल में बना रहा हूँ बड़ा, ठीक है, और इन दोनों को ले आओ। अच्छा इसको ऊपर रखना है आपने, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और इन दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन करो एंड पाथफाइंडर से आके ये कर दो, ठीक है। अब इन सबको या देखें, अब ये हमारा एक तरह से सीडी के लिए मास्क तैयार है। एंड इन सबको सेलेक्ट करें, अलाइन जरूर कीजिएगा, सेंटर अलाइन यू, सेंटर अलाइन यू, एंड फाइनली मेक क्लिपिंग मास्क, टडा हो गया। एंड अगर आप देखें, मैं इसको यहाँ रख के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि दिस इज हॉलो, ये होल हो चुका है, ठीक है। नाउ लास्टली इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ड्रॉप शेडो डाल दो, और सी ड्रॉप शेडो प्रीव्यू ऑन करें, और बहुत ज़्यादा हैवी सा मत लगाइएगा, बहुत हल्का फुल्का सा लगाइएगा। मैं से लाइक 40% अप्लाई कर रहा हूँ, एंड एक्स ऑफसेट जो है, मतलब एक्स ऑफसेट ही होता है कि एक्स एक्सिस पे आपका शेडो किस तरफ होगा, तो मैं जीरो कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मूव नहीं करना है, टॉप टू बॉटम करना है, ठीक है। एंड ब्लर मैं इसका कर रहा हूं तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ये वाई ऑफसेट बढ़ा रहा हूं, दैट्स इट, ओके। और ये आपकी सीडी तैयार है। ऑफ कोर्स ये व्हाइट बैकग्राउंड पे अच्छी नहीं लग रही, सो लेट्स हैव अ गुड बैकग्राउंड हियर। हाँ इस सीडी के बीच का होल थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन चला लो यार, अभी थक गया हूं मैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैश का ये लास्ट हमारा पार्ट था। एंड मुझे दिखाइए, अब खाली सीडी नहीं बन सकती यार, इससे बहुत कुछ और बन सकता है,
थोड़ा सा दिमाग चला लें। एंड प्लीज 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 मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि आप लोग सब बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्लीज खाली वही चीजें ना बनाएं जो मैं बना के दिखा रहा हूँ। आप चले ठीक है, वो बना लें जो मैं बना के दिखा रहा हूँ, बट उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्ट भी तो बना के दिखाओ ना यार। खुद से कब करोगे आप? सिर्फ अगर मैं हम बात करें मैश की ट्रेसिंग की, तो सबने मुझे माउस ही बना के दिखा दिए, कुछ और भी बना दो। यूएसबी ड्राइव, रिमोट कंट्रोल, मोबाइल फोन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, घड़ी भी हो सकती है। अब मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी चीज, यानी थोड़ी तो वो नहीं थी यार, लेकिन मैंने किसी हद तक छोटी सी चीज बनाई थी, एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए तो सही था। लेकिन अब जब प्रैक्टिस हो गई तो कुछ और भी तो बना के दिखाओ यार, ठीक है? एंड आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कुछ बना के दिखा रहे हैं डिफरेंट, सीडी के साथ। सीडी भी जरूर बना लीजिएगा, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है? एंड व्हाट एल्स, आप लोगों की सजेशंस मुझे बहुत काम आती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें उसके साथ साथ कर रहा होता हूँ, एंड 1000 सब्सक्राइबर्स पे एक स्पेशल वीडियो आ रही है, एंड अपलोड होगी तो देख लेना, मैं भी नहीं बता रहा, ठीक है? एनीवेज, इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और प्लीज शेयर करें दोस्तों के साथ, राइट? थैंक यू।